हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे ये चैनल में। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको एडिटिंग सिखाई थी, वैसा ही मैं कुछ नया लेके आया हूँ इस टाइम। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एडिटिंग के लिए जिस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत रहेगी उसका नाम रहेगा पिक आर्ट। आप नॉर्मली प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, उसके लिए बहुत ही ईजी प्रोसेस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं ये फोटो को सबसे पहले पिक आर्ट के अंदर ओपन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे उसको डायरेक्टली सेंड कर देता हूँ और पिक कार्ड के अंदर ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि ये पिक कार्ड के अंदर ओपन हो चुकी है। तो मोस्टली फोटो अच्छी क्यों, मतलब एडिटिंग अच्छी कभी लगती है, फोटो परफेक्ट कभी होती है। तो उसके बारे में सबसे पहले मैं फ़ोटो के बारे में बताऊँगा। जब भी अपना मतलब लाइटिंग प्लस उसका कलर परफेक्ट होगा तो पिक्चर भी परफेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे ये पिक्चर थोड़ी सी उसमें लाइटिंग ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पे टूल्स में जाके यहाँ पे क्लिक करके उसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से थोड़ा सा कम किया तो उसका जो शर्ट है वो थोड़ा डार्क हो गया, लेकिन उसके साथ में उसका जो फेस है वो भी डार्क हो गया। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इरेज पे क्लिक करके जहाँ जहाँ पे हम लोग को इफ़ेक्ट नहीं चाहिए वहाँ पे आप उसको ब्रश को घुमा के इफ़ेक्ट को हटा सकते हो। तो मैंने यहाँ मेरे को इफ़ेक्ट नहीं चाहिए तो मैं उसको हटा देता हूँ। तो यहाँ पे ओके कर देना। तो अभी जैसा कि पहले वाला फोटो ऐसा था, उसमें लाइटिंग थोड़ी ज़्यादा थी, तो मैंने उसको थोड़ी लाइटिंग कम करके अच्छी फोटो बना दी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले वाली ऐसी थी, अभी ऐसी हो गई। तो इसमें हम लोग और इफेक्ट डालते हैं। मैंने यहाँ पे और इफेक्ट डालने के लिए थोड़ा सा उसका मतलब करेक्शन में जाके उसके थोड़े से फेस को क्लीन कर देते हैं। तो इसके लिए आपको करेक्शन में जाके फेस मिक्स करना होगा। फेस यहाँ पे जहाँ पे आपको फेस को स्मूथ बनाना हो वहाँ पे आप ब्रश को घुमा सकते हैं। मैंने यहाँ पे घुमा दिया। अभी आप उसकी जो लेवल है उसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, मतलब आपको कितना स्मूथनेस चाहिए वो हिसाब से आप सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। तो यहाँ पे उसको इतना कर देता हूँ तो ये अच्छी दिख रही है। अभी ये पहले वाली ऐसी थी, अभी ऐसी हो, तो उसमें मैं थोड़ा इफेक्ट और डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा HDR इफेक्ट दे देता हूँ और थोड़ी सी उसकी फेट को कम कर देता हूँ, जिससे ये फोटो अच्छी दिखने लगेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फोटो बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिखने लगी है पहले वाली फोटो से। मैं यहाँ पे इफेक्ट में जाके उसको वापस से एक इफेक्ट देता हूँ, जो जिसको हम लोग मोस्टली बॉर्डर इफेक्ट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि बॉर्डर पूरा ब्लैक हो चुका है, तो मैं यहाँ पे उसके साइज़ को थोड़ा बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पे आप उसको सर्कल और स्क्वायर कर सकते हो आपके हिसाब से। तो मैं यहाँ पे सीन कर देता हूँ और यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मेरे को ये कलर चाहिए तो मैं यहाँ पे ये कलर ले लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। जैसा कि आपके सामने ये पूरा इफेक्ट आ चुका है। अभी पिकार्ट में एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, यहाँ पे जो जो आपको जहाँ जहाँ पे आपको इफेक्ट नहीं चाहिए वहाँ से आप उसको इफेक्ट हटा सकते हो इरेज के जरिए। तो यहाँ से जहाँ जहाँ मेरे को इफेक्ट नहीं चाहिए मैं वहाँ वहाँ से इफेक्ट को हटा देता हूँ। आप उसको पर आराम से कीजिएगा तो एक अच्छा फोटो में अच्छी स्मूथनेस आएगी। मैं आपको यहाँ पे जल्दी जल्दी करके बता देता हूँ। जब भी आपका पूरा ब्राइटनेस आप परफेक्ट देखने लगे तो आप यहाँ पे ओके कीजिए और आप उसको अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैं उसको थोड़ा ना रखना और यहाँ पर कर देता हूँ। अभी पिक्चर अच्छी दिखने लगी है, लेकिन सनग्लासेस में थोड़ी सी मिस्टेक दिख रही है। तो मैं यहाँ पे ड्रा में जाके उस पर थोड़ा सा उसके सनग्लासेस पर ब्रश मार देता हूँ। तो यहाँ पे मैं वापस सेम कलर लेता हूँ और मैं थोड़ा सा यहाँ पे सनग्लासेस पर ब्रश मार देता हूँ। आप उसको आराम से कर सकते हैं। मैं यहाँ
पे थोड़ा सा आपको जल्दी जल्दी करके बता रहा हूँ। जहाँ पे कलर ज्यादा हो गए वहां पे इरेज करके उसको कम कर सकते हैं। और यहाँ पे जाके आप थोड़ी सी लाइट कम कर सकते हो, जितना आपको कलर अच्छी उतना कर देता हूँ। यहाँ पे इतना कर लेता हूँ, आपके सामने पिक्चर है अच्छी दिख रही है, आप उसको आपके हिसाब से अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पे पिक्चर मैं यहाँ पे डिस्कार्ड कर देता हूँ, आपकी पिक्चर अच्छी दिखने लगी है। तो दोस्तों अगर आप उससे भी अच्छी अच्छी फ़ोटो और बना सकते हो भाई फ्लिपकार्ट के जरिए, मैं आपको फ्लिपकार्ट के जरिए और भी अच्छी अच्छी फ़ोटो एडिटिंग सिखाऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब से क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आप उसको आपके मोबाइल में वो डायरेक्टली नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो आप उसको मेरे वीडियो को देख सकते हो। तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मैं आपके सामने इससे भी अच्छे अच्छे और वीडियो लाता रहूँ। थैंक यू।